अरे अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, क्या कर रहे हो तुम लोग? सिर्फ तीन दिन बचे हैं रानी साहिबा के जन्मदिन के, और तुम लोग ने आधे महल की सजावट तक पूरी नहीं की। ये अमर जी भी कैसे कैसे लोगों को भेज देते हैं। हमने हमेशा कहा कि जो लोग काम जानते हैं उनको भेजा करो। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे हाथ चलाने का मतलब जल्दी जल्दी काम करो। आने दो अमर जी, स्वर्ण मुद्राएं मांगने चले आते हैं, जब देखो तब देखो, और कैसे कैसे लोगों को भेज देते हैं। जल्दी करो। रानी साहिबा, ओहो रानी साहिबा, ये देखिए आपके जन्मदिन का भाषण तैयार हो गया है, एक बार देख लीजिए, लंबा चौड़ा भाषण है। ये भी कोई भाषण है? भाषण तो हमारे महके में हुआ करते थे, और क्या लंबे लंबे भाषण होते थे। जन्मदिन पे भाषण शुरू होता था, अगले जन्मदिन पे जाके खत्म होता था। आपके मायके में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार आप इस भाषण को जरा रट लीजिए, जरूरी है। जहां पना क्या है वो, आप ये भाषण देने का रिवाज अब खत्म कर दीजिए। ये भाषण रटने में हमें बहुत परेशानी होती है। रानी साहिबा ऐसे कैसे खत्म कर दे, ये बहुत पुराना रिवाज है, निभाना तो पड़ेगा ही। और वैसे भी आपको जितनी रटने में तकलीफ नहीं होती, उससे ज्यादा तकलीफ हमें आपको भाषण रटवाने में होती है। क्या कहा आपने? आप हमें याद दिला रहे हैं कि हम अनपढ़ हैं। अगर सिखाना नहीं चाहते तो मत सिखाइए, हम भाईसा से सीख लेंगे, भाईसा को बुला लेंगे। नहीं 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 रानी साहिबा, क्या कह रही हैं आप, हमें कोई तकलीफ नहीं होती आपको ये भाषण सिखाने में, रटवाने में। नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे रानी साहिबा। अरे आप अगर पढ़ी लिखी होती और अगर आप इस भाषण को पढ़ पाती तो यूं आप याद कर लेती इस पूरे भाषण को। वैसे भी अब 300-400 बार हम आपको जब ये सुनाएंगे, आप यूं याद कर लेंगी भाषण, कोई तकलीफ नहीं है। क्या बना कि हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं बीरबल, आइए आइए, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। जाफना, वो हम एक जरूरी मसले पे बात करना चाहते थे। इतना तो ये भी नहीं शर्माती जितना आप शर्मा रहे हैं। और अभी हम किसी जरूरी मसले पे बात नहीं कर सकते क्योंकि हम जरा एक और जरूरी काम में मशरूफ हैं। समझ गए रानी साहिबा, हमारे प्यारे देशवासियों, बोलते हैं ना हमारे प्यारे देशवासियों, आपके प्यार और एतबार के लिए हम आपके तहे दिल से। रुकिए रुकिए, याद करने दीजिए। हमारे प्यारे देशवासियों, ये रात में बाकी का याद करते हैं, इतना याद कर लेने दीजिए। अभी आप इतना याद करेंगे हमारे प्यारे देशवासियों? हाँ, बस दिल से हम इतना याद करेंगे बाकी का रात में। हमारे प्यारे देशवासियों, बाकी का काफी है, बता रहे हैं खाली हम आपको, काफी बाकी है, रात को करेंगे। कीजिए। हमारे प्यारे देशवासियों, एक ही बात है ना? नहीं, एक बात कैसे है, देशवासी, सारे देशवासी हमारे दासदासी हैं। बोलते हमारे प्यारे देश दासियों। जापना की जय हो। क्या हुआ जापना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है बीरबल, बस रानी साहिबा को वो फुलचंद। हुजूर आप जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हुजूर मैं ठीक हूँ, आप क्या कह रहे थे रानी साहिबा को? रानी साहिबा कह रही थी कि उनके गांव से एक नाई आया है, उसे रख लेते हैं, फुलचंद को अगर निकाल दें तो। हुजूर मैं जा रहा हूँ। अरे बीरबल, वो रानी साहिबा को भाषण याद दिलाते दिलाते सर जरा सा भारी हो गया था, इसलिए हम यहाँ चले आए। वैसे आप क्यों आए थे, कोई जरूरी बात थी? अरे नहीं जापना, एक छोटा सा मसला था जो हमने खुद ही सुलझा दिया।
अच्छा किया आपने बीरबल, जब तक हम रानी साहिबा को ये भाषण याद नहीं करवा देते तब तक ये छोटे मोटे जैसे भी मसले हैं आप खुद ही उन्हें सुलझाइए, हमारे पास मत लाइएगा। अरे जापना, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, रानी साहिबा को ये उनके जन्मदिन का भाषण याद कराने का जिम्मा है, ये आप किसी और को क्यों नहीं सौंप देते? किसी माइकलाल में वो कुवत नहीं है बीरबल जो रानी साहिबा को ये भाषण याद करवा दे, किसी में नहीं। तो फिर जापना, आपको रानी साहिबा से ये कहना होगा कि वो पढ़ लिख जाए। एक बार वो पढ़ लिख गई, शिक्षित हो गई, तो फिर हर साल उन्हें भाषण याद कराने का मसला ही खत्म हो जाएगा। बात तो आप सही कर रहे हैं बीरबल, और वैसे भी रानी साहिबा का अनपढ़ होना हमारे रियासत के आने वाली पीढ़ी की लड़कियों के लिए गलत सबक है, पर हम क्या करें, रानी साहिबा को कई बार ये बात हम समझा चुके हैं कि वो पढ़ लिख लें, लेकिन हमारी बात वो मानती नहीं है। अगर आप रानी साहिबा को पढ़ने लिखने के लिए राजी कर लें तो हम जिंदगी भर आपके एहसान मंद रहेंगे बीरबल। अपना ये आप क्या करें, बादशाह अकबर का हर हुक्म बीरबल के सर राखों पर। बस आप हमें ये बताइए कि रानी साहिबा पढ़ना लिखना क्यों नहीं चाहते? ये अगर हम आपको बताएंगे तो आप हंस पड़ेंगे, ये सवाल आप एक बार उन्हीं से पूछ लीजिए। बिरबल, इसमें पूछना क्या है, लड़कियां पढ़ाई करके बिगड़ जाती है, जिंदगी के फैसले खुद लेने लग जाती है, जिंदगी अपनी मन मर्जी से जीती है, ये तो सारी चीजें गलत है ना बिरबल? इसमें गलत क्या है रानी साहिबा, क्या सिर्फ एक मर्द को ही हक है कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सके? अगर एक लड़की एक औरत किसी गलत फैसले पर सवाल उठाती है तो इसमें गलत क्या है? क्या एक औरत को हक नहीं है कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके? तुम्हारी सारी बातें सही है बिरबल, लेकिन औरतें पढ़ाई करके करेंगी क्या, आखिर तो उन्हें घर पे ही बैठना है, और घर पे ही सबसे ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होती है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो 5 साल तक रानी साहिबा पूरे 5 साल तक सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता है, अगर एक माँ ही अशिक्षित होगी तो अपने बच्चे को शिक्षा कैसे दे सकेगी, फिर बच्चे की नींव तो कमजोर रह जाएगी। याद रखिए रानी साहिबा, जब एक मर्द पढ़ाई करता है तो सिर्फ एक इंसान पढ़ाई करता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ाई करती है तो सारा समाज सारा परिवार पढ़ाई करता है। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है बिरबल, लेकिन हम क्या करें, बचपन से ही हमें सिखाया है भाई साहब ने कि लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो गलत रास्ते पे चली जाएंगी, लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, भाई साहब हमारी अच्छाई के लिए ही कह रहे थे ना। भाई साहब, अगर आपके भाई साहब बलदेव जी आपसे पढ़ाई करने के लिए कहे तो क्या आप पढ़ेंगी? बिल्कुल पढ़ेंगे। अरे बिरबल, हमें तो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, जब हमारे भाई पढ़ाई लिखाई करते थे ना तो हमारा भी जी मचलता था कि हम भी उनके साथ बैठकर पढ़ाई लिखाई करें। पर रानी साहिबा, बलदेव जी को तो हमें ही संभालना होगा, लो भगवान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या कहा आपने? हमने कहा कि अभी अभी हम आप ही के बारे में सोच रहे थे और आप प्रकट हो गए। लेकिन आपने हमें शैतान कहा। आपने सुना? हाँ। भगवान, हमने आपको भगवान का नाम लिया और आप हमारे सामने प्रस्तुत हो गए। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है, संभालिए अपने आप को। बलदेव जी, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलिए बोलिए। बलदेव जी, हमने सुना है कि आप हिसाब किताब में मदद के लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं, और आप तो जानते हैं कि हिसाब किताब में लड़कियां बहुत पक्की होती हैं, तो हमने सोचा है कि इस बार आपको एक लड़की सहायक दे दी जाए। विचार बुरा नहीं है, लेकिन इसमें एक परेशानी है बलदेव जी, हमारे राज्य में पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत कम हैं, बहुत ढूंढा हमने पर पढ़ी लिखी लड़कियां मिलना। बलदेव जी, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, एक नया कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसके तहत राज्य की अनपढ़ महिलाओं को शिक्षा दी जाए, और जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बालिकाएं हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि भविष्य में जाकर हमें पढ़ी लिखी लड़कियां ढूंढने में परेशानी ना हो। तो ठीक है, लेकिन इसमें भी एक परेशानी है।
और परेशानी। जी बलदेव जी, राज्य की बाकी सारी लड़कियां पढ़ लिख जाएं, महिलाएं पढ़ लिख जाएं और रानी साहिबा ही अनपढ़ रह जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्यों ना हम रानी साहिबा को भी पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करें। रानी साहिबा पढ़ लिख कर क्या करेंगी, वो जैसे भी हैं अच्छी हैं, उन्हें नौकरी थोड़ी करनी है। बलदेव जी, इंसान पढ़ाई लिखाई नौकरी पाने के लिए थोड़ी ना करता है। पढ़ने लिखने से इंसान को बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, उसे सोचने की शक्ति मिलती है, यहाँ तक के रोजमर्रा की जिंदगी में उसके उठने बैठने में भी नफासत होती है। बीरबल जी, एक बात कहें, आपकी अपनी जब बेटी होगी ना तो उन्हें पढ़ाइएगा लिखाइएगा, उनमें नफासत लाइए। हमारी बहना जैसी भी हैं बहुत अच्छी। मगर बलदेव जी, अगर मगर कुछ नहीं, अब इस मुद्दे पर हम कोई बहस नहीं करें। एक बात बीरबल जी, आज के बाद इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, समझ गए? राजा बीरबल आप तुरंत चलिए, हमारा एक सैनिक अभ्यास के दौरान घायल हो गया है, हमने राजवैद्य जी को बुला लिया है, बस आपकी कमी है, आप तुरंत चलिए। चल चल। राजवैद्य जी ठीक तो हैं? तबीयत तो ठीक है मगर खांसी ठीक नहीं है। इन्हें खांसी भी है? हम अपनी बात कर रहे हैं राजा बीरबल। अरे राजवैद्य जी, हम इनके बारे में पूछ रहे हैं, जख्म कैसा है इनका? अभी देखते हैं। जख्म गहरा तो नहीं है पर दर्द बहुत गहरा है। कुछ कुछ कीजिए राजभाई जी, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ कीजिए, करते हैं। अरे आप तो खा रहे हैं, ये खांसी के लिए है। मुझे तो दवा दो नहीं तो जहर ही दे दो। अभी देखते हैं। सचमुच में जहर दे दिया? अरे राजा बीरबल, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये जहर नहीं है, ये तो बड़ी कारगर दवा है। अब 8 घंटे तक ये दीन दुनिया दर्द सब भूलकर ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर ये इतनी तेज और कारगर दवा है तो क्या इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बस 7-8 घंटे तक इंसान अपने होशो हवास में नहीं रहता और जब दवाई का असर खत्म हो जाता है तो इंसान अच्छा हो जाता है। आप लोग जा सकते, अभी आराम से सोएंगे। राजवैद्य जी, आज तक आपकी दवाइयों ने बीमारों को ठीक किया, लेकिन आज आपकी दवाई एक अनपढ़ को शिक्षा भी देगी। हम कुछ समझे नहीं राजा बीरबल। हम आपको समझा दें। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर वजीर आजम को पता चल गया तो वो हमको शूली पे चढ़वा देंगे। राजवैद्य जी, रानी साहिबा का पढ़ना हमारी जनता को शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा। आप एक महान कार्य की शुरुआत के लिए मदद कर रहे हैं। ठीक है राजा बीरबल, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे, चाहे हमें इसके लिए सूली पर ही क्यों ना चढ़ना पड़े। ऐसे ही होगा। क्या? अरे घबराइए मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा राजवैद्य जी, ये बताइए कि ऐसी कोई दवाई होती है जैसे इंसान को सर्दी जुखाम या फिर सरदर्द हो जाए? ऐसी कोई दवाई तो नहीं होती, लेकिन एक जंगली फूल होता है, अगर उसे कोई सूंघ ले तो कुछ समय के लिए उसे सर्दी जुकाम और सरदर्द शुरू हो जाता है। हाँ, कहाँ मिलेगा वो फूल? वैसे तो जंगलों में ढूंढने से बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन हम हमेशा अपने पास रखते हैं। वो क्या है ना,
कभी कभी बीवी से झगड़ा हो जाता है ना तो उसे सुंघा देते हैं तो घर में 7-8 घंटे के लिए शांति हो जाती है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपकी बीवी आपको सुंघाती होगी। क्या? खैर राजवैद जी, आपने हमारे सारे समस्याओं का समाधान हमें दे दिया। ओह, ये उर्दू किसने बनाई है? हमारे प्यारे देशवासियों से आगे गए ही नहीं हम। अम्मी जान, आपने हमें बुलाया? हाँ, तुम दोनों को हमने बुलाया है। जल्दी से हमें ये भाषण याद करा दो। तुम्हारे अब्बू आएंगे ना तो हम उन्हें ये भाषण सुना देंगे। अम्मी जान, भाषण खत्म हो गया, अब आप कितना फरफराएंगी? बस बस, लंबा भाषण है इसलिए जल्दी से याद कराओ अभी। अम्मी जान, शाही खून है हम, आप हमसे हमारी जान मांग लीजिए, लेकिन आपको भाषण याद कराने के लिए आप हमें मत बोलिए। मुझे पता है फूफी, आपको भाषण तो याद होगा नहीं, उल्टा आपको सिखाते सिखाते हम अपनी भाषा भूल जाएंगे। चुप कर बेवकूफ, हमारा हुक्म है ये, हमारा हुक्म नहीं मानोगे ना तो उल्टा लटका देंगे। चलो याद करवाओ हमें। ले पढ़। हाँ? पढ़ो पढ़ो। हमारे प्यारे देशवासियों। अरे बस बस बस, ये याद है हमें, वो वाली पंक्ति से, वो शुक्र गुजार उसके बाद वाली पंक्ति। हाँ वो भी बहुत आसान है ये तो। या सल अंत के उर उच। अरे ये क्या है बूबी, ये तो आपकी बेइज्जती करने का षड्यंत्र है, सब खराब है ये। रहने दो सलीम पढ़ो। यकीनन मुगलिया सल्तनत के उरूज का मुस्तकबील आपकी कर गुजारियों के बदौलत है। बस। यकीनन मुगलिया सल्तनत की उड़ू। ये याद है हमें, आगे पढ़ो। और हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर यही भाईचारा, लगन और कार्य कुशलता कायम रह गई तो। रुको, याद कर लेने दो। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि यही बेचारा, लगन और कलकत्ता। अम्मी जान, बेचारा लगन और कलकत्ता नहीं, भाईचारा, लगन और कार्य कुशलता। तू हमें सिखाएगा? हाँ, हमारी गलतियां गिनवाएगा? चलो जाओ, तुम दोनों जाओ यहां से, जाओ हम कर लेंगे, दो हमें, जाओ। तंग आ गए, बेवकूफों की टोली है यहां पर। कितना प्यारा फूल है, जरूर जहां पना हमारे लिए लाए होंगे, कितना प्यार करते हैं। जितना प्यारा ये फूल है उतनी प्यारी खुशबू होगी। रानी साहिबा, कचौरिया तैयार है, यहीं ले आऊं कि खाने की मेज पर लगाऊं? नहीं, यहीं लेकर आ जाओ। और सुनो, आज हमारा कचौड़ी खाने का मन नहीं कर रहा है, बस 12 ही लेके आना। और सुनो, वो छोले ना भर भर के डालना कचौड़ी में, और साथ में दही बहुत सारा लेके आना। जी। अरे सुनो, हम ही चलकर बना लेते हैं और यहाँ आकर खा लेंगे, हम चलते, चल। रानी साहिबा, अरे जल्दी आइए और फूल सूंघिए, वरना हमारी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। रानी साहिबा, ओहो, क्या बात है, रानी साहिबा हमारे लिए फूल लेकर आई हैं आज, वो भी इतना खूबसूरत।